नमस्कार, मैं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में खनन घोटाला की जांच कर रही सीबीआई की टीमों ने आज देश में 12 जगह पर छानबीन की। हमीरपुर की जिलाधिकारी रही तेजतर्रार आईएएस अधिकारी बी चंद्रकला के आवास पर भी छानबीन की गई। लखनऊ में सीबीआई की एक टीम ने उनके आवास पर करीब 2.5 घंटा तक पड़ताल की। उस समय बी चंद्रकला अपने आवास में नहीं थी। बी चंद्रकला के घर से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं, जिसे जब्त कर लिया गया है। राजधानी लखनऊ में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए वॉकथॉन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जागरूकता दौड़ को हरी झंडी दिखाई। शुभम फाउंडेशन में जिस प्रकार अभियान चलाते रहते हैं और डॉक्टर साहब जो समाज में जागरूकता एक अभियान चलाते हैं, इससे रोड सेफ्टी में और दुर्घटना में कमी आएगी। यदि समाज में जन जागरण होता है, जन आंदोलन एक स्वरूप ले लेता है पूरे राज्य के अंदर और देश के अंदर, इससे दुर्घटना कम होगी। मुजफ्फरनगर में भाजपा विधायक विक्रम सिंह सैनी के दिए गए विवादित बयान को लेकर जहां देश की राजनीति में हलचल पैदा हो गई है, वहीं विधायक विक्रम सिंह के समर्थन में बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक उमेश मलिक उतर गए हैं, जिसमें विधायक उमेश मलिक ने विक्रम सिंह सैनी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि यह विधायक जी की व्यक्तिगत भाषा है, मगर यह सच्चाई है कि जिन्हें देश में डर लगता है और जो वंदे मातरम नहीं बोल सकते, ऐसे लोगों को देश में नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसे लोग देश से बाहर जाना चाहते हैं तो इसके लिए टिकट खुद करा कर देंगे। जिस भाषा में विधायक जी बोले हैं वो उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, पर एक बात सच्चाई भी है, जो हमारे देश में रह के हमारे ही समाज में जहर घोलने का प्रयास करते हैं, वंदे मातरम कहने से कुरेज करते हैं, भारत माता की जय बोलने में कुरेज करते हैं, ऐसे लोग अगर भारत से जाना चाहते हैं वो चले जाएं, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है। ग्रेटर नोएडा के दादरी में बीजेपी कार्यकर्ता की बदमाशों ने अपहरण करके हत्या कर दी। बदमाशों ने हत्या के बाद शव को रूपबास गांव के पास फेंक दिया और मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस घटना की जाँच में जुट गई है। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने विरोधी पार्टियों पर राफेल को लेकर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए राफेल सौदे को घोटालेबाज घोटाले का नाम दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने 3 तलाक बिल को महिला सशक्तिकरण का हिस्सा बताया है और कहा कि इससे महिलाओं को अपने अधिकार मिलेंगे। मामला उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का है, जहां घरेलू हिंसा के चलते एक महिला ने खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा ली। परिजनों ने आनन फानन में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। ससुर बब्बन अली लेके आए हैं, मरीज 70-75% बना हुआ है, मरीज को भर्ती करके उसका इलाज किया है। शिक्षा के मंदिर में अब ये भी होगा, इसका अनुमान नहीं था। मनोरंजन के रंगमंचों पर तो ये अश्लील दृश्य आपने देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी शिक्षा के मंदिर को डांस क्लब बनते हुए देखा है? दरअसल यूपी के बलिया जिले के एक प्राथमिक विद्यालय में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी कार्यक्रम के दौरान शिक्षा के मंदिर को डांस क्लब में तब्दील कर दिया गया। एक नजर जरा इन तस्वीरों पर भी डालिए, कैसे शिक्षा के मंदिर में बार बालाएं ठुमके पर ठुमके लगा रही हैं और वहीं मौजूद लोग ठुमकों के रस के मजे उठा रही हैं। जैसा कि इस वीडियो में दिख रहा है मुझे कि इस प्रकार का कंबल वितरण कार्यक्रम में जो है शोर शराबे के बीच ही पठन पाठन चल रहा है, तो निश्चित रूप से ये ऐसा नहीं होना चाहिए पढ़ाई के दौरान, और ये आपके माध्यम से मुझे संज्ञान में आया है। मैं तत्काल अभिखंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित कर रहा हूँ कि इसकी जाँच करके और एक रिपोर्ट दें जो है कि इसके लिए जो है जिम्मेदार कौन है। बागपत में लूटपाट के दौरान व्यापारी को खुलेआम गोली मारने का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच में जुट गई। इस मामले में पुलिस ने शामली के कुख्यात बदमाश अंकुर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके अन्य साथी मौके से फरार हो गए हैं। वहीं पकड़े गए बदमाश पर लूट डकैती हत्या के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस अन्य फरार बदमाशों की तलाश में जुट गई है। तत्काल प्राप्त सूचना में चेकिंग कराई गई, घेराबंदी की गई और घेराबंदी में पुलिस टीम पे बदमाश ने फायर किया और मुठभेड़ में एक साथी बदमाश जिसका नाम अंकुर उर्फ भूरा है, जो मूलतः मुजफ्फरनगर का रहने वाला है और वर्तमान में थाना बड़ौद क्षेत्र में रहता है,
उसको गोली लगी, वो घायल हुआ है। मथुरा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने रिटायर पुलिस कर्मियों के लिए एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें पुलिस अधीक्षक ने रिटायर पुलिस कर्मियों की समस्या सुनी और उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द निपटाने के आदेश दिए। साथ ही सभी थाना अध्यक्षों को रिटायर पुलिस कर्मियों की सलाह लेने की नसीहत भी दी। हमारा उत्तर प्रदेश के इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए एक्सपोज इंडिया के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।